नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई 2019 जिसके हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रतिदिन मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा एमपी जीके डेस्ट मोबाइल ऐप पर भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोगी खोज अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा 1 से 20 अगस्त 2019 तक। और इसमें इस अभियान का उद्देश्य है कि अभियान के दौरान जिले में घर घर खोज के माध्यम से सघन स्क्रीनिंग कर संभावित कुष्ठ रोगी की पहचान कर जांच उपरांत उपचार प्रदाय किया जाना है, जिससे मध्य प्रदेश को कुष्ठ रोग से मुक्त किया जा सके। इस अभियान में फिलहाल मुरैना जिले को शामिल नहीं किया है और केवल 34 जिलों में 1 अगस्त से यह अभियान चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का कुलपति कौन नियुक्त हुआ है? अभी हाल ही में देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय इंदौर के कुलपति डॉक्टर रेणु जैन को बनाया गया है। अभी हाल ही में राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ग्वालियर के, इन्हें डॉक्टर रेणु जैन को देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर का कुलपति नियुक्त किया गया है। यानी डॉक्टर रेणु जैन अभी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ग्वालियर में प्रोफेसर के रूप में तैनात थीं। आजाद कथा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आजाद कथा प्रदर्शनी का जो आयोजन किया जा रहा है यह भोपाल में किया जा रहा है। भोपाल में स्वराज संस्थान द्वारा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जीवन और स्वतंत्रता प्राप्ति के अनेक प्रयासों पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। संस्थान की कला वाटिका में यह प्रदर्शनी लगाई गई है। 27 जुलाई 2019 तक के लिए आमजन के लिए यह प्रदर्शनी खुली हुई है। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस पर्यटन स्थल में मोगली पार्क का निर्माण कराया जाएगा? मध्य प्रदेश के निम्न में से किस पर्यटन स्थल पर मोगली पार्क का निर्माण कराया जाएगा? यह मांडू में कराया जाएगा, पर्यटन स्थल मांडू में कराया जाएगा। और यहाँ पे अभी हाल ही में लाइट एंड शो और जंगल पार्क बनाया गया है, इसके बाद अब मोगली पार्क मांडू में बनाया जा रहा है। यह वन विभाग द्वारा मोगली पार्क बनाया जाएगा। लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 34 लाख की लागत से इस पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। मोगली पार्क में क्या क्या शामिल होगा हम देखते हैं। मोगली पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का बिछने वाली रेल की पटरी व उस पर चलने वाली ट्रेन होगी। पर्यटक व बच्चे सवार होकर मोगली पार्क की सैर कर सकेंगे। बच्चों के लिए छोटा स्विमिंग पूल तैयार किया जाएगा। डोरेमोन, मिकी माउस, मोटू पतलू जैसे किरदार आनंदित रहेंगे। यहाँ प्ले जोन भी होगा। इसमें मोगली पार्क में ये सारी व्यवस्थाएँ शामिल होंगी। अभी हाल ही में मलेशिया में आयोजित इंटरनेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले पलक जैन किस जिले के निवासी हैं? अभी हाल ही मलेशिया में इंटरनेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, इसमें पलक जैन ये हमारे उज्जैन के खिलाड़ी हैं, उज्जैन जिले के निवासी हैं। मलेशिया में 27 से 21 जुलाई तक आयोजित हुई है यह इंटरनेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप, जिसमें भारतीय टीम ने फाइनल में सिंगापुर की टीम को 15-12 के अंतर से पराजित कर चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया है। भारतीय टीम में उज्जैन शहर के बेसबॉल खिलाड़ी पलक जैन शामिल हैं। पलक के प्रतिनिधित्व में भारतीय दल ने मलेशिया में शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, हम बात करेंगे कल के अभ्यास प्रश्न के उत्तर का। अभी हमने 20 से 25 जुलाई तक के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का वीडियो लास्ट नाइट अपलोड किया था, जिसकी लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। दोस्तों, 6 दिन का एक वीडियो बनाया गया था, किसी कारण बस वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे हमारे द्वारा। इसके बाद हम ये जो उस वीडियो में यह क्वेश्चन पूछा गया था, वीर चैन सिंह जिन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है का बलिदान दिवस कब मनाया गया? ये
वीर चैन सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 24 जुलाई 2019 को इनका बलिदान दिवस मनाया गया है। अंग्रेजों की जड़ें हिला देने वाले वीर चैन सिंह को जिन्हें कहा जाता है मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, ये मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे जिनका नाम था कुंवर चैन सिंह। अब हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की, जिसका आंसर आपको कमेंट के जरिए देना है कि 25 सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश के किस शहर में मोगली बाल उत्सव 2018 का आयोजन किया गया। आपके पास चार ऑप्शन है, होशंगाबाद, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, में से एक आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और इसके लिए आप इसकी MCQ प्रैक्टिस के लिए career-academy.com पर जा सकते हैं और इसमें अब क्वेश्चन अपलोड होने लगे हैं। इसके अलावा हमारे MPGK मोबाइल ऐप पर भी आपको PDF मिलने लगेगी दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं जो मध्य प्रदेश की वैकेंसी हैं वो निकलेंगी एक दो महीने में, इसके जो नियम बनाए जा रहे हैं अवश्य निकलेंगी दोस्तों। और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को। धन्यवाद।